प्रदेश में कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में अब तक कुल 274 कोरोना के मामले सामने आ गए हैं। राजधानी जयपुर की अगर बात की जाए तो 92 पॉजिटिव केसेस राजधानी जयपुर से मिले। इसमें से अधिकतर मामले रामगंज से सामने आए, जो कि प्रशासन और चिकित्सा विभाग के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। रामगंज में अधिक संख्या में कोरोना के मामले सामने आने के बाद सोमवार को जिला कलेक्टर डॉक्टर जोगाराम ने मानक चौक थाने में मेडिकल, पुलिस, नगर निगम, जिला प्रशासन और आवश्यक व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों की एक बैठक ली। इसमें जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को कोरोना की रोकथाम के लिए निर्देश दिए। इसी के साथ जिला कलेक्टर ने स्क्रीनिंग तेज करके संदिग्ध के सैंपल लेकर उन्हें क्वारंटाइन करने के और साथ ही में नगर निगम की ओर से रामगंज की गलियों को सैनिटाइज करवाने के भी निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने रामगंज चौपड़ स्थित शहरी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र का निरीक्षण किया। वहीं पुलिस अधिकारियों को लॉकडाउन की सुनिश्चित पालना के निर्देश भी उन्होंने दिए। इस दौरान सीएमएचओ नरोत्तम शर्मा ने इस पर कहा कि चारद्वारी क्षेत्र में 250 मेडिकल टीम स्क्रीनिंग का कार्य कर रही है और कोरोना के लक्षण आने वालों के सैंपल्स इकट्ठे करके उन्हें तुरंत आइसोलेट भी किया जा रहा है। मानक चौक थाने में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और आरएस अधिकारियों और यहाँ सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक हुई है। रामगंज क्षेत्र में कंटेनमेंट को और पुख्ता तरीके से करने और व्यवस्थाएं करने के संबंध में समीक्षा ली गई है। अभी प्रत्येक 7 थाना क्षेत्रों में हर एक पर स्वास्थ्य विभाग की एक सैंपलिंग टीम रहेगी, जो सैंपल्स का लगातार मॉनिटरिंग करेगी। ILI के जो पेशेंट आ रहे हैं उनकी 100% सैंपलिंग की जाएगी और मेडिकल की दुकानों पर, डिस्पेंसरीज पे और सर्वे टीमों में जो ILI के पेशेंट आ रहे हैं उन सबकी लिस्टिंग करके सभी की सैंपलिंग सुनिश्चित की जा रही है। इसके अलावा जो पॉजिटिव केस आए उनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट और सेकेंडरी कॉन्टैक्ट का 100% ट्रेसिंग करके उनको क्वारंटाइन सेंटर्स में भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रत्येक थाना क्षेत्र में लगभग 30 के आसपास जो फुल टीमें हैं वो नगर निगम की सैनिटेशन की टीमें काम करेगी। इंडिविजुअली छोटी गलियाँ हैं और जो लेंथ है उनमें जाकर के सैनिटाइजेशन का काम करेगी और CMHO मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी यहाँ उपस्थित थे। जॉइंट डायरेक्टर जो है जो भी केस पॉजिटिव आ रहा है उसकी जो भी कॉन्टेक्ट है सबको क्वारंटाइन किया जा रहा है। सघन स्क्रीनिंग प्रोग्राम लगातार जारी रहेगा। हम चाहते हैं कि यहाँ पर एक भी कॉन्टेक्ट नहीं बचे जिससे कि बीमारी फैलने रोक सके।